प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपनी तीसरी गारंटी योजना को सिरे चढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। शनिवार को कैबिनेट की उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का खाका तैयार किया गया। बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता में आयोजित की। उन्होंने बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। बैठक हिमाचल प्रदेश सचिवालय में आयोजित की गई। धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश के सभी विकासखंड कार्यालय से डाटा एकत्रित किया गया और पात्र महिलाओं की पहचान की गई। नारी सम्मान योजना के तहत प्रदेश की 10,53,021 महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे प्रदेश सरकार पर 1,895 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। नारी सम्मान योजना का एजेंडा पहले कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद बजट सत्र में इसे पास किया जाएगा। धनीराम शांडिल ने कहा कि 31 मार्च से पहले बजट पेश कर दिया जाएगा। अप्रैल में आवेदन मंत्री आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त करने और उनकी जांच करने में करीब 45 दिन का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि जून के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को पैसा दिया जाएगा। ये राशि चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी। BPL परिवार में यदि कोई महिला और 2 बेटियां हैं तो ऐसे मामले में चिन्हित किए जाएंगे।